शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बस आगे नहीं जाएगी। अजी मैं आप ही से कह रहा हूं। बस आगे नहीं जाएगी। क्या आपके साथ और कोई नहीं? तो बड़ी मुसीबत है। खैर चलिए कहीं आसरा ढूंढ लेंगे। नहीं थी जी, अजीब है आप। कोई दूसरा दस्त बस पे गिर गया तो बकौल बस कंडक्टर की चटनी बन जाएगी। आइए आ जाइए आइए। चलिए 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 जल्दी कीजिए। आइए इधर देखते हैं। जी आप ये पहन लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अजी जितने ही करते पहन लीजिए ना।
कुछ लकड़ियां मिल जाती तो आग जला लेते। आप थैली में लेके आते। अगर आप साथ न देते तो याद न चले। अच्छा आप सो जाइए। आरा? जी मैं इन जानवरों से बातें करूंगा। आप इनकी जबान समझते हैं? प्यार की जबान कौन नहीं समझता। देखिए ना इसकी आंखों में कितना प्यार है। बेचते थे दवाएं दिल दुकान अपनी बढ़ा दी। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं, कुछ ले जाती हैं और कुछ ले जाती हैं। कह दिया ना मुझे नाम पता कुछ भी नहीं मालूम। वो तो ना रास्ते में कार बिगड़ती, ना मैं बस में बैठती, ना मुलाकात होती। ये मुलाकात ही तो मुसीबत है। खैर जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हारी बुआ कहती है मिलना बिछड़ना फिर मिलना सब संजोग है, सब संजोग है। और क्या कहती है बुआ जी? क्या नहीं कहती बुआ, क्या है तूफान मेल है। कलकत्ते से शुरू होती है तो दिल्ली तक सांस नहीं लेती। चुप, कहीं बुआ ना सुने। बुआ जी सुन लेंगी, उन्हें तो सुनने से बैर है। कौ जमीन की तो आसमान की सुनती है। बुनती है क्या? बुनती है ना तो मैं कुछ ढेरती हूँ ना बुनती हूँ। बुनती नहीं बुआ जी, सुनती चुनती। हाँ हाँ चुनती हूँ, मुझे चावल चुनने का बड़ा शौक है। लो नहले पे दहला हुआ। अरे हाँ राधा तू यहाँ पहुँच गई है, ये तार भैया को दे दिया? नहीं तो बुआ जी तार का फॉर्म नहीं था। अरे तुम मंगवा लिया होता, बेचारे को फिक्र लगी होगी ना। खैर मैं अभी कुंदन को डाकघर भेजती हूँ और फॉर्म मंगाती हूँ। कुंदन, ओ कुंदन, देखा कैसा नौकर है, कान में रुई डालकर काम करता है, सुनता ही नहीं। कुंदन, कुंदन तो कुछ भी नहीं सुनता। सुनती तो बुआ है। क्या? कुछ नहीं बुआ जी, आपकी बात नहीं। बाल बाल बच्चे। अरे राधा वो जो तूफान आया था उसमें तो तुम्हारी पहली मुलाकात हुई, अब दूसरी मुलाकात की आंधी कब आ रही है? आंधी है तेरे लिए, भला मैं क्यों किसी से मिलने लगी? और फिर मैं तो जानती भी नहीं वो कौन है क्या है।
कहाँ ठहरा हुआ है? रमेश, ये क्या मुसीबत है भाई, उल्टे क्यों हो रहे? मैं उल्टा हो रहा हूं? मुझे तो तुम उल्टे नजर आ रहे हो। हाँ भाई, उल्टे को सब उल्टा ही नजर आता है। मगर रमेश, हाँ, ये मामला क्या है? अरे वो तेरी समझ में नहीं आएगा, बुजुर्गों ने कहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब बात करो। थैंक यू किशन। तो मैं कह रहा था, बुजुर्गों ने कहा है अगर कुश्ती लड़नी हो तो जिसम। क्या हुआ? हाथ हटा के बात करो। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। तो बुजुर्गों ने कहा है अगर अगर कुश्ती लड़नी हो तो जिसम मजबूत करो, और अगर मोहब्बत करनी हो तो सर मजबूत करो। सर? हाँ। जूते पहनने वाले हैं क्या? नहीं 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 प्यारे, ऐसी कोई बात नहीं। देखना, हर बुरी बात के लिए तैयार तो रहना चाहिए। अच्छा, मुबारक हो। क्या, जूते मुबारक हो? जी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। खुश की तई, खुश की तई। लेकिन यार, ये मोहब्बत कैसे मुबारक होगी? तुमको मालूम है, जब से तुम आए हो ना, इसको एक दफे भी नहीं मिल सका। अच्छा? आज सोचा तुम जरा नहाने गए हो तो मैं इसकी तस्वीर से दो मीठी बातें कर लूंगा, लेकिन तुम फिर फौरन टपक पड़े। अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? हम अब सारा दिन के लिए चले जाते हैं। अरे अरे नहीं किशन, मेरा ये मतलब नहीं। तुम तो खामखा नाराज हो जाते हो। बाकी रही की मेरी बात, वो तो हो ही जाएगी। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। लेकिन रमेश यार, ये है कौन? अरे ये कुछ मत पूछ किशन, यही महाबलेश्वर में ही चक्कर चल गया। भगवान कसम, किस्मत वाला। लेकिन यार है खूबसूरत। खूबसूरत है? खुश की ताई। अरे ये खुश की ताई कहने की तेरी आदत न गई। अब कैसे जाएगी प्यारे, अपन ठहरे पंजाबी, और अपने पास है ही क्या? यही खुश की ताई, यही खुश कर दिया। अरे ये डायरी वायरी लिखने की आदत तुमने कब से डाल ली? हाथ मत लगाओ जी। क्यों जी? रमेश ये भी दिल का मामला है। अच्छा जी, तो मेरी जान तुमने भी सर मजबूत करने का प्रोग्राम बना लिया? अरे चक्रम, मैंने तो दिल मजबूत करने का प्रोग्राम बनाया है। खुश की तई यार, इसका नाम क्या है? है कौन जी? नाम तो प्यारे मैं भी नहीं जानता। क्यों? कल तूफान में मुलाकात हुई थी। तूफान में मुलाकात हुई थी? हाँ। अरे यार, ये लड़कियां जहाँ भी होंगी वहाँ तूफान जरूर आएगा। क्या बात है। यार कोई बात नहीं। हाँ। तेरी मेरी सेहत तो बन गई ना। गले मिल जा। नाम क्या है उनका? रमेश। बहुत चाहते हैं तुझे। बता ना। जब वो खुश की ताई कहते हैं तो मैं खुशी से डबल हो जाती हूँ। खुश की ताई, हाँ यहाँ है। देखा, यहाँ भी पहुँच गए। देखा, ढूंढ लिया ना तुमको। तुम्हें कैसे मालूम मैं यहाँ हूँ? अरे पगली, ढूंढने वाले कयामत की नजर रखते हैं। शीला, ये आप कौन है? यही है वो तूफान वाली। अरे वाह, तूफान वाली आप है? वैसे तूफान वाली लगती भी है। क्या कहा? अरे पगली, तुमसे थोड़े कुछ कह रहा हूँ, तुमसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। इधर आओ। माफ कीजिएगा। तो उस तूफानी रात की सुबह आज हुई है? जी हाँ, पहाड़ों पर रातें अक्सर लंबी होती हैं। उस दिन आप कुछ कहे बगैर चलिए? आप बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। जी हाँ, बहुत सोया मैं उस दिन, और अजीब से सपने भी देखता रहा। आप? मैं तो सारी रात नहीं सो सकी। क्यों? जी डर रहा था मेरा। किस बात से? अकेलेपन से। आप यहाँ महाबलेश्वर में रहती हैं ना? आप? मेरी बुआ यहाँ रहती हैं, मैं तो अहमदाबाद में रहती हूँ। अहमदाबाद? हाँ जी, मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा? हाँ, लेकिन बॉम्बे में आजकल एमए कर रहा हूँ। ओहो, छुट्टियाँ गुजारने आए हैं? जी हाँ। और आप? मैं तो यहाँ अक्सर आया करती हूँ। और अक्सर तूफान भी अपने साथ लाया करती हूँ? तूफान पहले तो कभी नहीं था।
उस रात जहाँ हम ठहरे थे ना जी, वहाँ मेरी एक चीज खो गई। आपकी? हाँ। कमाल है, मेरी भी एक चीज खो गई। क्या? पहले आप बताइए। मेरी डायरी वहाँ रह गई। ओ डायरी, मैं समझा शायद कोई खास चीज होगी आपकी। पता नहीं कहाँ गिर गई। तो आप वहीं जाके देख लीजिए ना, आपको जरूर मिल जाएगी। हाँ कल सुबह जाकर देखूंगी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा कितनी भयानक जगह है ये। हाँ भयानक तो बहुत है, अकेले बड़ा जी घबराता है। लेकिन अब तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ मैं बेकार ही हैरान हुई, नोटबुक तो मिली नहीं। नहीं मिली? मिल तो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्या हुआ। ये रही आपकी नोटबुक। अरे ये आपको कब मिली? ये मेरे पास तो उसी दिन से है। अजीब आदमी है आप, आपने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया? अजी अगर कल बता देता तो फिर आज अब यहाँ कैसे आती? देखिए मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तो जैसा पसंद है वो बता दीजिए, मैं वैसा मजाक करूंगा। आप मुझे तंग मत कीजिए, मेरी नोटबुक मुझे वापस कर दीजिए। मैं आपकी नोटबुक वापस किए देता हूँ, पहले आप मेरी चीज वापस कर दीजिए। आपकी कौन सी चीज है मेरे पास? आपको नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। नहीं सच नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। खैर जब आप ही को नहीं मालूम तो हम क्या बताएं। लीजिए अपनी नोटबुक। माफ कीजिएगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो एक सिगरेट पी लूं? आप सिगरेट बहुत पीते हैं। जी हाँ आग से खेलने की कोशिश करता हूँ। फिर भी सिगरेट कोई अच्छी चीज तो नहीं? हाँ अच्छी चीज तो नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अकेले का साथी जरूर है। जब तो अकेला हो जाऊंगा ना, नहीं पीऊंगा। आप सिगरेट बिल्कुल पसंद नहीं करते? बहुत से लोगों को नहीं पसंद। बहुत से लोगों की बात छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। समझ लीजिए कि मुझे नहीं पसंद। तो मैं आज से छोड़ देता हूँ, लीजिए अपने हाथ से फेंक दीजिए। लीजिए ना, फिर कब मिलेंगे आप? कभी नहीं। सुनिए अपनी नोटबुक तो लेती जाइए। देखिए मैंने इसमें कुछ बढ़ा दिया है, बुरा तो नहीं मानेंगे? प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नहीं। प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में। प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में। प्यार का सागर दिन से मेरे दिल की धड़कन क्यों तेज हुई जाती है। क्या बात हुई तेरा तुमको अब नींद नहीं आती है। दिन पल भर
प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर उनसे मिलूं, कब उनसे मिलूं, दिन रात यही दिल सोचे। प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर, प्यार का सागर, प्यार का सागर। श्यामलाल जी, आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, ये 500 रुपया किशन के नाम मनी ऑर्डर कर दें। 500 रुपये? तो आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? मेरा काम तो चल ही जाता, लेकिन किशन को इस दफा एग्जामिनेशन की फीस भरनी है ना। किशन जी भी कितने भाग्यवान हैं कि जिन्हें आप जैसा भाई मिला। भाग्यवान किशन नहीं, मैं ऐसा सुशील और होनहार भाई बड़े भाग्य से मिलता है, हमेशा इम्तिहान में अव्वल आता है। इस बार भी देख लीजिएगा, सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ जी। ओ पोस्टमैन, ओ मिस्टर पोस्टमैन, जरा रुकना भाई, जरा रुकना, रुक जाओ भाई। कमाल है, आप तो आग मिलाए बगैर ही चले जा रहे हैं। रूम नंबर 7 का कोई खतवत है? कोई खतवत तो कोई नहीं है, एक किशनचंद गुप्ता के नाम 500 रुपए का मनिया करें। तो खुश की थी 500 रुपए का, हमारा तो फिर ऐसे चले जा रहे थे। लाओ इधर। किसने भेजा है? अरे विष्णु भैया ने। कमाल है, आप खुद चुपके से जा रहे थे। लाइए 500 रुपए है ना पूरे गिल्लू। लेकिन आप थोड़े मेरे से बेईमानी करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मगर साइन तो कीजिए सर। ओह साइन भी भूल गया था। आप जरा इधर हाथ रखें, दस्तखत करने में आसानी होती है। आपने दस्तखत करेंगे किशन के? क्या आप किशन गुप्ता नहीं है? नहीं भाई जान, वो मेरा दोस्त है, आप बिग भी दोस्त। मगर आप इस पर साइन क्यों कर रहे थे, ये मनिया क्यों ले रहे थे? ओह भाई मैंने कहा ना, घबराने की कोई बात नहीं, अपना लेन देन चलता है उसमें। ये यहाँ नहीं चलेगा, ये गवर्नमेंट का मामला है। अरे भाई मैं गवर्नमेंट को थोड़ा ही कुछ कह रहा हूँ। कमाल है, हट हो गई। अरे यार कमाल गवर्नमेंट है, दोस्त के पैसे भी नहीं दे सकता। छोटा सा आदमी इतनी बड़ी बात, इंसल्ट हो गई। देखा तुमने? देखा, मगर तुम किसी दूसरे का मनियादर ले क्यों रहे थे? हमारा दूसरे किसका ले रहा था? आपने किशन का तो ले रहा था। किशन का भी मनियादर क्यों ले रहे थे? अरे कैसे नहीं लेता, उसको ढूंढता कहाँ? मैं जब सुबह उठता हूँ तो गायब, दोपहर को देखता हूँ तो गायब, रात को नजर मारता हूँ तो गायब, पता नहीं पता किसके साथ ढूंढता रहता है। तुम गायब रहते हैं? क्या समझी जी? राधा भी आजकल गायब रहती है। राधा गायब रहती है? वाह बच्चे, मैं भी समझा। तुम जरा मेरे साथ आओ, जरा इसको मजा तो खाऊंगा। राजा अरे पूजा पूरी हो गई आपकी? भगवान कहते हैं जिसकी मन्नत मान रहे उसका नाम पूछ कर आओ। तो पूछ लिया होता। बता दीजिए ना आपका नाम क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशन है। क्या? हाँ मेरा नाम किशन है। आप अपना नाम बताइए ना।
मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। अरे हमसे क्या हुआ अजी, अपना नाम तो बताती जाइए। नहीं। क्यों? मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों नहीं बताएंगे? मेरा नाम मुझे बताते शर्म आती है। कमाल है, हमारा नाम पूछ लिया, अपना नाम बताते हुए शर्म आती है। बताइए। राधा। हैं? राधा? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा। मेरा हाथ छोड़िए। ये हाथ तो कभी नहीं छूटेगा। कोई देख लेगा। देख ले। अच्छा मैं देर हो रही मुझे। अच्छा कल मिलो। खुश की ताई। अरे रमेश तुम? जी मैं। हमारे सिवा और वो कौन सकता है? क्यों जी, हम तो तुम्हें सुबह से ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं और तुम हो के यहाँ पर छुपे बैठे हो। रमेश बात यह है कि मैं तो यूं ही टहलने चला आया था कि राधा मिल गई। वो तो देख ही रहा हूँ। ठीक है फिर, किशन को राधा तो मिलनी भी चाहिए ना। क्यों जी शर्मा गई? कुछ की ताई, लेकिन एक ये है ये कि कभी नहीं शर्माती। क्या कहा? गुस्सा हो गई पर जी, आज गुस्सा होने का दिन नहीं, आज मिलन मिलाप का दिन है। ये देखो राधा और किशन मिले। मैं जाऊंगी। चल दे। मैं भी जाऊंगी। तू भी चल दे। अरे रुक जाओ जाने वाली, रुक जा। मैं हूँ राही तेरी मंजिल। चुप रह। साहब आपको सेठ जी बुला रहे हैं। अच्छा आया। आखिर चाहिए कितना? 10,000। इंतजाम हो जाएगा। हेलो। अच्छा और बढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भीषण, सेंचुरी मिल्स के शेयर्स की डिलीवरी ले ली। जी अब 10,000 गाठे कॉटन की फौरन खरीद लो, जिस भाव भी मिले। मेहता जी की राय है कि बाजार अभी और तेज जाएगा। जी सेठ जी। हाँ इजाजत हो तो कुछ कहूँ? हाँ हाँ बोलो जी। वो मेहता जी की राय तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी मैं समझता हूँ कि बाजार अपनी लिमिट पार कर चुका है, अब भाव बढ़ेगा नहीं बल्कि गिरेगा और काफी गिरेगा। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त खरीदने की बजाय जितना बेचा जाए बेहतर हो। अच्छा क्या कहा तुमने? अपने डैडी से अभी तक शादी की बात नहीं की? क्यों? मुझे डर लगता है। खुश की ताई, अरे पगली डर लगता रहा तो जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारे रहेंगे। खैर अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं उनसे बात नहीं करना। क्यों? वो बहुत गुस्से वाले हैं, जरा जरा सी बात पर बंदूक उठा लेते हैं। अरे वो बंदूक उठा लेते हैं तो मैं तोप उठाऊंगा, लेकिन तोप उनके लिए नहीं, मैं तो उनसे ऐसी मीठी बातें करूंगा, ऐसी मीठी बातें करूंगा कि मोम हो जाएंगे। अगर वो मोम नहीं हुए तो मैं उनको रोम पटा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? गुस्सा हो गए? अरे पगली तुम अपने रमेश पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जरा आप मेरी तरफ देखो, जरा मुस्कुराओ। क्या हुआ? लग चली थी। ये क्या बदतमीजी है? क्या निशाना लगा है? क्या मतलब? क्या मैं तुम्हें कबूतर नजर आया हूँ, चिड़िया नजर आया हूँ, कौवा नजर आया हूँ, क्या नजर आया हूँ? अरे साहब आप तो मुझे बिल्कुल आदमी नजर आए। तो घन चक्कर पर आदमी देख के निशाना क्यों नहीं लगाया? वही तो मैंने किया है। क्या किया है? चाचा जी ने कहा था बेटा आदमी देख के निशाना लगाना। कौन बेवकूफ चाचा है ये? मशहूर शिकारी ठाकुर संग्राम सिंह। ठाकुर संग्राम सिंह? हाँ, मैं उनका भतीजा ठाकुर घमसान। तुम ठाकुर साहब के भतीजे हो? बड़ी खुशी है। ठाकुर साहब घर पे हैं? आप जाके खुद ही देख लीजिए। अच्छा। अगर दिखाई दे तो अंदर है और नहीं दिखाई दे तो बाहर है। अजीब क्रैक आदमी है। जी क्या कहा आपने? मेरा मतलब है आप बिल्कुल करेक्ट आदमी है। थैंक यू।
ये घर है या चिड़िया घर? आदमी का नामो निशान नहीं, सब जानवर ही जानवर नजर आते हैं और वो भी मुर्दा। क्या कहा? एक जिंदा भी है। आपकी तारीफ? मैं ठाकुर संग्राम सिंह के साले के बहनोई के मामा के चाचा के भतीजे का चाचा अभिमान सिंह। ओ खुशकी, इतना लंबा रिश्ता। अजी मिस्टर, रिश्ता हथियार का है। मैं तलवार चलाता हूँ और ये बंदूक चलाते हैं। ये बंदूक चलाते हैं? थैंक यू वेरी मच है खुशकी। क्या बॉडी है। अच्छा तो ये बंदूक से निशाना भी लगा सकते हैं कि नहीं? देखा मेरा निशाना? ओ, आप देखा? बिल्कुल देखा। तकदीर अच्छी थी, बच गया। ये निशाना आपका चूक गया। क्या बकते हो, हमारा निशाना कभी चूक सकता है? तुम्हें मारना होता तो एक मिनट पहले मार दिया होता। थैंक यू तो टाइम गया ना। तुम हो कौन? जी मैं फोटोग्राफर हूँ। मैंने बड़े बड़े जानवरों की तस्वीरें ली, आज आपके पास आया हूँ। क्या बकते हो? गड़बड़ गई। मेरा मतलब है कि मैंने आज तक जानवरों की तस्वीरें तो ली थी, सोचा आज जानवरों को मारने वाले की तस्वीर लूं, इसलिए हाजिर हुआ। ठीक है। तो मेरी एक और अर्ज थी कि आज मैं तस्वीर लूं। ये किसकी तस्वीर है? कोई राजकुमारी लगती है। क्या शान है, क्या आन है, क्या बन है। ये आपके कोई रिश्तेदार है? बेटी है हमारी। खुश की तई? क्या की तई? जी खुश की तई मतलब खुश कर दिया। अपने पंजाब में खुश की तई का मतलब खुश कर दिया, जैसे आपने मुझे ये कहकर खुश कर दिया कि ये आपकी बेटी है। क्योंकि मैं कह रहा था कि इतनी शानदार तस्वीर और हो किसकी सकती है। देखिए वही शिकारी आंखें, वही शान शौकत। एक बात है, अगर इस पर मूंछ लगा दी जाए तो बाप बेटे में कोई फर्क नहीं नजर आता। क्या मतलब ये? अरे वही है, देखिए कितनी शक्ल मिलती है आपस में। बेटी ये एक फोटोग्राफर है, इन्होंने बड़े बड़े जानवरों की फोटो ली है, आज हमारी फोटो लेने आए। आपकी फोटो? हाँ, क्योंकि इन्हें एक शिकारी की फोटो चाहिए। ठीक बोले है। आप आइडिया है, जरा आप इधर आइए, लगते कैसे? मैं आप दोनों की आज एक साथ तस्वीर लेता हूँ। देखिए ऊपर मैं। अरे ये किसकी तस्वीर है? आप इनको नहीं जानते? ये ठकुरानी है, महारानी है, भाई साहब की धर्म पत्नी है। ओ खुश की सही, अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, जरा उनको बुला लीजिए, मैं एक फैमिली फोटो लेता हूँ। जी उनको कहाँ से बुला लें? क्यों, उनका तो स्वर्गवास हो गया। खुश की सही? क्या यानी खुश किया? नहीं मेरा ये मतलब नहीं। तुमको बात करने की तमीज नहीं। भाभी का स्वर्गवास हो गया और तुम कहते हो खुश कर दिया। भाई साहब इसे गोली मार दी। नहीं इसका इस्तेमाल नहीं। चुप रहो तुम। अच्छा मैं चुप। अच्छा शीला तू जरा कुछ बोल। शीला तो क्या तुम इसे जानते हो? कैसे नहीं जानता, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये आपसे क्या छुपाना, हम आपस में शादी करना चाहते हैं। शादी? जी हाँ। तुम? हाँ। मेरी बेटी से? इसमें क्या बुरी बात है? क्या बकते हो? भाई साहब ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसे फौरन गोली मार दीजिए। गोली मार दो जैसे बाप का राज है। ठीक है तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। नहीं ला मेरी बंदूक। कहां बंदूक? नहीं ला अकेला बंदूक। ला मेरा। नहीं ला अंदर बंदूक। ला 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 शीला हट जा सामने से। हट जा शीला हट जाओ। डैडी
ले जाऊंगी। चली जाओ। जा सकती है। तू जाओ जाओ ना। प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुम जमाने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, तो फिर हंस के देखो निगाहों में मेरी। ये डर है जमाना जुदा कर न डाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आपने मुझे बुलाया सेठ जी? हाँ, उस कॉटन वाले मामले में तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला, भाव अचानक गिर गया। खास नुकसान तो नहीं हुआ? तुम्हारी बात मानने के बाद नुकसान हो सकता है? सारे बड़े बड़े व्यापारियों को खोट लगी, सिर्फ मुझे 7 लाख का फायदा हुआ।
वरना मेहता जी की राय पर चलता तो आज सारा कारोबार चौपट हो जाता। तुमने मुझे वक्त पर बचा लिया अभिषेक, ये तो सब ईश्वर की मेहरबानी है सेठ। हाँ भाई, उसकी मेहरबानी न होती तो आज तुम जैसा काबिल आदमी मुझे कहाँ मिलता। मैंने मेहता जी से कह दिया है कि आज से खरीदने और बेचने का सारा काम बिशन को सौंप दो और तुम्हारी तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ा दिए। शुक्रिया सर। किशन, देखा कितना पसीना आ रहा है। सुबह से इंतजार कर रही थी कि कब शाम होगी। इतनी बेचैनी क्यों, कल ही तो मिला था। वाह, कल और आज के बीच में एक लंबी रात जो थी। राधा, अगर मुझसे मिले बिना कई रातें और कई दिन इसी तरह काटने पड़े तो मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो राधा, वरना जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं शायद नहीं कह सकूंगा। क्या बात है? कुछ नहीं। कहो ना क्या बात है। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, कल मैं जा रहा हूं। राधा, राधा इधर देखो ना राधा, रो मत राधा, रो मत। तुम इस तरह से रोगी तो मैं जा नहीं सकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना तो हो गई किशन, मैं रो कहां रही हूं, कहां रो रही हूं मैं। याद है किशन, इसमें तुमने कुछ बढ़ाया था। याद है, अब तुम्हारे लिखे हुए लफ्जों ने जिंदगी में बड़ा गहरा रंग भर दिया, लेकिन कहानी अधूरी है, हो सके तो इसे पूरा कर देना। ठीक है, क्या कहा, देश जी को फिर दिल का दौरा पड़ गया था? अब तबीयत कैसी? अच्छे हैं, बैठे हुए? खरमा भी आता। नमस्ते सेठ जी, खैरियत तो है? खैरियत कहाँ बिछन, दिल का मरीज हूं, कभी ना कभी सख्त दौरा पड़ ही जाता है। ये तो ठीक नहीं सेठ जी, आपको इलाज बराबर जारी रखना चाहिए। इलाज तो किसी न किसी तरह चल ही रहा है, लेकिन एक चिंता मुझे खाए जा रही है। चिंता? हाँ भीषण, जवान लड़की माँ बाप के लिए चिंता ही तो है। मेरी चिंता है राधा, चाहता हूं आंखें मूंदने से पहले इसके हाथ पीले कर दूं, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं सेठ जी, रोग तो जिंदगी के साथ लगा ही रहता है। रही शादी, वो तो हो ही जाएगी। आपने कहीं बात चलाई? बात तो नहीं चलाई, लेकिन एक लड़का मुझे पसंद है। तो फिर देर किस बात की, आप आज्ञा दीजिए, मैं बात कर रहा हूं। कौन है वो? तुम ही हो भीषण जी? हाँ भीषण, मेरे ख्याल में तुमसे अच्छा लड़का मेरी बच्ची के लिए और कोई नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक ही कह रहा हूं भीषण, लेकिन सेठ जी आपके सामने मेरी हैसियत ही क्या है, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। देखो भीषण, मैं राधा की शादी दौलत से नहीं इंसान से करना चाहता हूं। अगर आपका यही विचार है तो मुझसे कहीं अच्छा है मेरा छोटा भाई किशन, आप राधा की शादी उससे कर दीजिए। नहीं भीषण, राधा के लिए मैं तुम्हें पसंद कर चुका हूं,
और फिर बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी का सवाल ही कैसे उठ सकता है? जी ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन बेकिन कुछ नहीं, तुमने मुझ पर बहुत से एहसान किए, ये आखिरी एहसान और करो, राधा को अपना लो। एहसान तो आपने मुझ पर किए सेठ जी, जिन्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और ये क्या कम एहसान है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। परंतु मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं चाहता हूं ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, दिल के रोगी का क्या भरोसा, धड़कन बंद हुई और खेल खत्म। खुश की तय बस बहुत हो गया बेटे। और रमेश कब आए तुम? आया, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? डॉक्टर को बुलाने। कौन बीमार है? तुम। मैं? हाँ तुम। अरे जब कोई लड़का पढ़ने की किताब को लड़की की तस्वीर रखने की एल्बम समझ ले तो समझ लो खुश की तरह डॉक्टर की फौरन जरूरत है। क्या करूँ रमेश, मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। क्यों जी? जब भी कोई किताब लेके बैठता हूँ राधा की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। वाह बेटे, तो एक एक तस्वीर हर किताब में रख छोड़ी है। रमेश तस्वीर तो एक ही थी जो दिल में उतारी थी, लेकिन अब यही तस्वीर जिंदगी के हर वर्ग पे नजर आने लगी है। वाह वाह वाह, तुम तो आदमी से शायर बन गए। ठीक है, मेरी मानो तो ये पढ़ना लिखना बंद करो और गाने वाने लिखना शुरू कर दो, कमा खाओगे। मजाक छोड़ो यार, मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, इम्तिहान में बैठ के फेल हो जाने से तो यही बेहतर है कि इम्तिहान दिया ही ना जाए। ये बात है तो आओ। ये क्या कर रहे हो रमेश? आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? कबाड़ी के पास। क्यों? ये किताबें बेचने। अरे तुम्हारे भैया ने तुम्हारी तालीम पर इतना पैसा खर्च किया, तुमको पढ़ाया लिखाया, प्यार किया, चाहा, अगर ये किताबें बेचकर उनको कुछ पैसे वापस मिल जाए तो तुम्हारा क्या जाएगा? रमेश मेरी खुद समझ में नहीं आता मैं भैया को मुंह कैसे दिखाऊं, लेकिन क्या करूं, मुझसे पढ़ाई भी नहीं होती। क्यों नहीं होती जी? हर वक्त मुझे राधा का ध्यान लगा रहता है। ध्यान लगाना है तो जंगल की राह लो, साधु बन जाओ और दिन रात गाते फिरो, राधा राधा पुकारूं मैं बन में। मियां बेवकूफी बंद और अकलमंदी शुरू, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो जी लगाकर पढ़ो और राधा का ध्यान कुछ दिनों के लिए गोल करो, समझे? पढ़ा नहीं जाता। राधा को भूलना मेरे बस की बात नहीं रमेश। रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं। जब जब बादल चांद से खेले आँख में चोले, जब जब भंवरा फूल से बोले प्यार की बोली, उस घड़ी सनम तुमको याद हम बार बार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं। तुमको करते दूर हम आज है खुद पर
करते हैं। कहोगी मैं पागल हो गया हूं, है ना? पागल पर नहीं तो और क्या, पढ़ाई छोड़कर यहां चले आए, ये क्या अच्छी बात है? पढ़ाई तो अब मुझसे होगी नहीं। जब भी किताब खोलकर बैठता हूं तुम्हारी सूरत आंखों के सामने आ जाती है, इसलिए तय किया है कि इम्तिहान नहीं लूंगा। लेकिन भैया का ख्याल आता है, वो मेरे बारे में बड़े बड़े सपने देखा करते हैं। और तुम उनके सपने तोड़ देना चाहते हो? मैं क्या करूं राधा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? इम्तिहान खत्म होने तक तुम उसे नहीं मिलोगे, मेरी सूरत भी नहीं देखोगे, मेरा ध्यान भी नहीं लाओगे। वादा करो। ऐसा नहीं हो सकता राधा। नहीं हो सकता तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। राधा मेरी बात तो सुनो। अच्छा नहीं आऊंगा। बुरा मान गए? नहीं तो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें यहाँ ना आने को कहते हुए मेरे दिल पे क्या बीत रही है। तो फिर क्यों मना करती हो? इसलिए कि मुझे तुमसे प्रेम है। हाँ किशन, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने भाई की आशाओं पर पानी फेर दो, अपने आप को गिरा दो। प्रेम इंसान को गिराता नहीं, उठाता है। अगर मेरी वजह से तुम इम्तिहान में नहीं बैठे तो इससे बड़ी बदनामी मेरे लिए और क्या होगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं बदनाम हो जाऊं? नहीं। फिर तुम वही करोगे ना जो मैंने कहा है? हाँ। पिताजी का खत आया है, वो यहाँ आने वाले हैं। अच्छा, तो फिर तुम उनसे बात कर लेना। क्या? यही कि अभी मंगनी कर दें और एक महीने के बाद शादी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछ लेना, कोई एतराज तो नहीं? उन्हें क्या एतराज होगा, मेरे पिताजी दूसरों की तरह नहीं है। मेरी मर्जी के खिलाफ वो मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इम्तिहान खत्म होती हूँ उनसे जाके मिलूंगा। अच्छा, तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म हो रहे हैं? क्यों? इस महीने की 20 तारीख को मेरा जन्मदिन है। अरे 20 तारीख तक तो मेरे इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे और कहो तो शादी भी हो जाएगी। कोई नहीं कोई नहीं, अरे घर वाले घर नहीं तो हमें किसी का डर नहीं। घर वाले घर मर गए कुछ कितने तस्वीर से डर गए। ये तो ससुर मियाँ की है। नमस्कार नमस्कार। अब आराम करो भाई, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जागे? तुम? हाँ मैं, तुम समझे डैडी है? डैडी डैडी, मैं क्या तुम्हारे डैडी से डरता हूँ? अच्छा, सूरत तो ऐसी बन गई है जैसे तुम निकल गया हो। खुश की तई, अरे पगली, तेरी मोहनी सूरत देखकर अगर मेरे दिल में कुछ 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 होता है तो क्या समझते तुम्हारे बाप से डरता हूँ? शीला पाने बे,
डैडी आ गए। अच्छी बात है। डैडी आ गए। ओ मार दिया। इधर जाओ। इधर जाओ। इधर से तो डैडी आ रहे हैं। इधर से डैडी। इधर से माँ। ओ उधर नहीं, उधर नहीं। ओहो यहाँ से तो जरा से भी नजर आता जल्दी। अरे सब क्या करूँ? पक्के बन जाओ। मार दिया। कुछ नहीं करो। शीला बेटी। डैडी। डैडी आप इतनी जल्दी लौटा है और शिकार पर नहीं गए? मैं अपनी कारतूस की पेटी कहीं भूल गया हूँ। शायद कहाँ रखी है? हाँ शायद इसी अलमारी में है। अलमारी में? ओह नहीं नहीं डैडी इस अलमारी में तो नहीं है। अलमारी देखो ठीक से देखो बेटा। ठीक से देख लिए डैडी इस अलमारी में तो नहीं है। इसमें नहीं है मगर मेरा ख्याल है कि मैंने इसी में रखी थी। ए अच्छा हटो मैं देखता हूँ। नहीं डैडी क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इस अलमारी में नहीं है। अच्छा फिर कहाँ होगी? हाँ याद आया शायद उस कमरे में होगी। ऐसा? हाँ। अच्छा क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं उस कमरे में नहीं इस कमरे में। इस कमरे में? डैडी भाई साहब आप यहाँ चले आए हम बाहर गाड़ी में बैठे बैठे सूखे। चुप रहो। अरे भाई पेटी तो अभी तक नहीं मिली वही तो ढूंढ रहा हूँ। भाई साहब ये सब इस बेवकूफ की बेवकूफी है। कारतूस घर में छोड़ दिया शिकार वहाँ क्या पत्थर से खेलेंगे? चुप रहो। कोई बात नहीं मैं अभी ले आता हूँ। डैडी डैडी मैं ही ले आती हूँ। नहीं नहीं डैडी मैं लाती हूँ आप यही रहिए। नहीं मैं खुद ही ले लेता हूँ हटो। कौन हो जी तुम? बोलो जवाब दो। जी मैं शीला देवी की म्यूजिक टीचर हूँ। म्यूजिक टीचर? लेकिन शीला ने तो हमें कुछ नहीं बताया। डैडी डैडी ये अभी अभी आई है बहुत अच्छा गाती है और बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। आप तो यूं ही मेरी तारीफ करते हैं। आप पहली तारीख से आ रही है ना? वो तो नहीं होगा लेकिन अब मैं जाती हूँ। नमस्ते। 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 आइए। अजी भाई साहब ये क्या माजरा है? आप तो अकेले अंदर गए थे और अरे भाई ये शीला की म्यूजिक टीचर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। म्यूजिक टीचर तो फिर आप डांस भी जानती होगी? जी थोड़ा थोड़ा। ब्यूटीफुल तो फिर हो जाए प्रोग्राम। चाचा जी कहिए ना। चुप रहो। भाई साहब बात तो ठीक कहता है कुछ सुना दीजिए ना। जी मैं मुझे मैं जी बात दरअसल ये है आज मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं कह रही थी कि हाँ पिताजी हाँ। नया काम है। हाँ जी अजी काम तो रोज रोज हुआ करते हैं आज कुछ प्रोग्राम हो जाए क्यों भाई साहब? गाना भी तो एक रईसों की शान है। ठीक है ठीक है। हाँ क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम जी संगीता। भाई साहब कितना सुंदर नाम है यथा नाम तथा गुणे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो संगीता देवी जी हमारा शिकार कैंसिल। हाँ, और आपका काम कैंसिल। मेरा काम? हाँ, कैंसिल। हाँ, अच्छी बात है लेकिन बात ये अजी आप कमाल करती हैं आज तक भाई साहब की बात किसी ने टाली है जो आप टाल रही हैं? चुप रहो। अजी लेकिन आइए आइए ना आइए। चुप रहो। पियानो पर चलिए। पियानो पर? हाँ अभी बैठना पड़ेगा। क्यों नहीं आइए 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 चले आइए चले। वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आइए आइए कोई बात नहीं कोई बात चले आइए। आप तो बहुत शर्माती हैं। बजाइए। बजाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं आप कहते हैं तो क्या गाऊं क्या शुरू करूं? गजल दादरा ठुमरी प्यार और मोहब्बत से भरी हुई कोई भी चीज सुना दीजिए। कोई भी चीज मोहब्बत से भरी हुई? मोहब्बत से भरी हुई मोहब्बत।
मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है कि होती क्या है सूरत और क्या दिखलाई जाती है मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है कि होती क्या है सूरत और क्या दिखलाई जाती है। अच्छा अब मैं चाहती हूँ। अजी ये क्या कह रही हैं आप, अभी और गाइए। चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए। हाँ गाओ। मैं और नहीं गा सकती। गाओ, आपको गाना पड़ेगा। नहीं गाऊंगी। चाहे कोई बंदूक दिखाए चाहे कोई तलवार, करेंगे हम तो किसी से प्यार, करेंगे हम तो किसी से प्यार। चाहे कोई बंदूक दिखाए चाहे कोई तलवार, करेंगे हम तो किसी से प्यार, करेंगे हम तो किसी से प्यार। मजनू लैला के घर आया अपना भेष बदल कर, होने न पाई प्यार की बातें, किस्मत ने डाला एक चक्कर। आ गया उसका बाप मुछंदर, मोटा ताजा मस्त कलंदर। आ गया उसका बाप मुछंदर, मोटा ताजा मस्त कलंदर। करेंगे हाय हाय करेंगे हम तो किसी से प्यार, करेंगे हम तो किसी से प्यार। चाहे कोई बंदूक दिखाए चाहे कोई तलवार, करेंगे हम तो किसी से प्यार, करेंगे हम तो किसी से प्यार। करेंगे हम तो किसी से प्यार, करेंगे हम तो किसी से प्यार। चाहे कोई बंदूक दिखाए चाहे कोई तलवार, करेंगे करेंगे हम तो किसी से प्यार, करेंगे हम तो किसी से प्यार। चाहे कोई बंदूक दिखाए चाहे कोई तलवार, करेंगे हम तो किसी से प्यार, करेंगे हम तो किसी से प्यार। Ah!
चाहे कोई बंदूक दिखाए चाहे कोई तलवार करेंगे हुर करेंगे करेंगे हम तो इन्हीं से प्यार करेंगे हम तो इन्हीं से प्यार चाहे कोई बंदूक दिखाए चाहे कोई तलवार करेंगे हम तो किसी से प्यार करेंगे हम तो किसी से प्यार दीदी चराग लेकर ढूंढो तो भी ऐसा नेक लड़का नहीं मिलेगा अपने अहमदाबाद का ही रहने वाला है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे राधा पसंद भी है ननद भी है ये अच्छा है नए घर में राधा का जी लगा रहेगा पर मैं पूछती हूँ लड़का देखने सुनने में कैसा है कहा तो हीरा है हीरा लाखों में एक पर ननद वनंद कोई नहीं तो फिर और कौन है घर में एक भाई है बस चलो ये भी अच्छा है उसे कोई तंग नहीं करेगा घर में अकेले राजपाट करेगी नाम क्या है लड़के का किशनचंद गुप्ता किशनचंद गुप्ता नाम तो बड़ा ही अच्छा है जोड़ी खूब रहेगी राधा और किशन किशनचंद गुप्ता नहीं बिशनचंद गुप्ता चलो ये भी अच्छा नाम है तनदीर ना तानी तुम तनदीर दानी तनदीर ना तानी तुम तनदीर ना तानी तुम तनदीर दानी तनदीर ना तानी तुम कुछ तो बताओ गोरी हमसे ये कैसे चोरी बाजे क्यों पायल तेरी चुम 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 तनदीर ना तानी तुम तनदीर ना तानी तुम तनदीर ना तानी तुम तनदीर दानी तनदीर ना तानी तुम I'm not done.
कहा अब चलने की तैयारी करो, लेकिन पहले जरा राधा से पूछ लो। अरे राधा से पूछने की क्या जरूरत है, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल है, जो तेरी राय सो उसकी राय। नहीं दीदी, अब जमाना बिल्कुल बदल चुका है। आजकल शादी ब्याह के मामले में बड़े बूढ़ों के साथ साथ लड़का लड़की की राय लेना भी बहुत जरूरी है, आखिर सवाल तो उन्हीं की जिंदगी का है ना। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बुआ जी। आओ बेटी शीला, खुश तो हो, बैठो। अरे शीला, तू बड़े वक्त से आई, तेरे चाचा जी ने राधा के लिए एक बड़ा ही अच्छा लड़का पसंद किया है, पर कहते हैं कि राधा से पूछ लो। मैंने कहा उससे पूछने की क्या जरूरत, जो तुम तय करोगे वो ठीक है। क्यों? हाँ चाचा जी, बुआ जी ठीक ही तो कहती है, भला राधा आपकी बात टाल सकती है? ये तो सच है बेटी, लेकिन उससे पूछना भी जरूरी है। राधा सुन तो, बैठ बैठ। चाचा जी ने तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ तय की है और तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? सुनो, कान में बता दो। कोई इतराज नहीं चाचा जी, तभी तो शर्मा गई। शर्माने से काम नहीं चलेगा बेटी, उसकी राय लेना जरूरी है, मैं खुद पूछ लेता हूँ। बेटा तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? बोलो बेटा, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? राधा आज अगर तुम्हारी मां होती तो तुम्हारे दिल का हाल आसानी से जान लेती, लेकिन अब तो तुमको मुझे ही बताना होगा। ऐसे मौके पे चुप नहीं रहते बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बोलो तुम इस शादी से खुश हो? मेरा बेड़ा गर्क हो गया। क्या हुआ भाई? अरे उसका कहीं पता नहीं चल रहा। अरे किसका पता नहीं चल रहा? शीला का और किसका, उसका बाप कहीं से आंधी की तरह आया और तूफान की तरह ले गया। अफसोस की बात तो ये है किशन, कि पता भी नहीं छोड़ के गया। आदमी समझदार मालूम होता है। क्या? अरे तुम्हारा काम चल गया तो मेरा पता कितने पर खुश हो रहे हो, कुछ तो शर्म करो रहे। मैंने कितनी उम्मीदें लगाई थी, सोचा था शनाइयां बजेंगी, सेहरा बंधेगा, अपनी भी कभी शादी होगी। अरे हाँ रमेश, भैया की भी शादी हो रही है। कौन से भैया की? अबे बिशन भैया की। और किसी तो उसमें मैं क्या हैं? बिशन भैया की शादी हो रही है? हाँ। और तुम नहीं जा रहे, यहाँ बैठे हो? वही तो मुश्किल है दोस्त, इम्तिहान जो सर पे मौजूद है। देखो ना, भैया ने भी लिखा है इस शादी में तुम मौजूद नहीं होगे, ऐसे मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन क्या किया जाए, उधर तुम्हारे इम्तिहान, इधर सेठ जी के दिल की बीमारी, मैं उनकी बात टाल भी नहीं सकता। खैर तो इम्तिहान खत्म होते ही फौरन चले आना। ये तो और अच्छा हुआ। अरे प्यारे, बड़े भैया की शादी होगी तो छोटे का तो रास्ता ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा, क्या समझे? वो तो ठीक है रमेश, लेकिन इस शादी में शरीक ना होने का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। क्या रूप निख रहा है, दूल्हा मियां तो देखते ही बेहोश हो जाएंगे। देखो राधा, शादी के बाद पुराने साथियों को मत भूल जाना। कैसे भूलेगी, पुराने साथी भूलने देंगे तब ना। बारात आ गई। अरे बारात आ गई। बारात आ रही है। अरे द्वारा चार के लिए राधा को लेकर जल्दी आओ, बारात आ गई, जाओ जल्दी। बुआ जी, ये द्वारा चार क्या होता है? जब दूल्हा घर के दरवाजे पर आता है ना, तो दुल्हन उसे आकर हार पहनाती है, इसी को कहते हैं द्वारा चार, समझी? तेरी शादी होगी तब पता चल जाएगा। बुआ जी, Thank you.
पहना दो। थोड़ी ही देर में फेरे होने वाले। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, मगर यहाँ जरा भीड़भाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं एक इंजेक्शन अभी दे देता हूँ। अरे भाई आखिर जा कहाँ रहे हो? आज का पेपर आउट होने से क्या कल का पेपर नहीं देना पड़ेगा? कल का पेपर जरूर दूंगा दोस्त, मगर आज का पेपर सिर्फ मेरे लिए आउट हुआ। जानते मेरे भैया की शादी हो रही और मैं कितना चाहता था किसी मौके पर अपनी भाभी को देख लूं। सो भगवान ने मेरी सुन ली, इस प्लेन से जाऊंगा, रात को लौट आऊंगा। लेकिन वहां को चक्कर हो गया तो? अरे चक्कर क्या होगा, मैंने आने की सीट यहीं से बुक करा ली है दोस्त। तो जरूर जाओ, तुम्हारी भाभी देखकर तुम्हें खुश होंगी। अरे वही तो, भाभी भी खुश और देवर भी खुश। आओ चले। आप कैसी तबीयत है? सुना है अच्छे हैं। अच्छी है ना? अच्छी। अब ठीक है। भैया किशन, भैया जीते रहो किशन। किशन तुम यहाँ कैसे? इम्तिहान खत्म हो गया क्या? नहीं भैया, जाने के पेपर आउट हो गया, मैंने सोचा इसी मौके पर भाभी को देखो। मैं बहुत थक गया किशन, मुझे बड़ा सुना सुना मालूम हो रहा था। भैया मैं तो खुद बहुत बेचैन था। आओ बैठो किशन, आओ। वेदी पे आइए। आइए भैया। कन्या को लाइए। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, ये शादी रोक दीजिए। ये क्या बचपना है राधा? मैं मजबूर हूँ। मजबूरी काहे की? ये शादी नहीं हो सकती, हरकिस नहीं हो सकती। बेटी, मुझे तुमसे ये आशा थी। मुझे क्या मालूम था? मालूम तो नहीं था बेटी, मैंने तो इसीलिए तुमसे पहले ही पूछ लिया था। अगर इनकार करना था तो पहले ही कर दिया होता। अब जबकि बारात दरवाजे पे खड़ी, बाराती इंतजार कर रहे हैं, तुम मेरी आबरू मिट्टी में मिलाना चाहती, मेरे मुंह पर कालक लगा देना चाहती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी डोली की बजाय इस घर से मेरी अर्थी निकले? नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं, इस जिल्लत की जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा। अरे ये देर हो रही है, राधा को ले चलिए ना, पंडित जी शोर मचा रहे हैं। बेटी, मैं अपनी इज्जत और आबरू की तुमसे भीख मांगता हूं, मेहमानों के सामने अपने बाप का सर न झुकने दो। बेटी, अगर तुमने अब भी इनकार कर दिया तो ये सदमा मेरी जान लेकर ही जाएगा। बोलो बेटी, बोलो, अपने बाप को जिंदगी देती हो या मौत? बोलो जिंदगी या मौत? चलो बेटा, उठो बेटा, उठो, चलो चलो। ओम
ओम शन्नो देवी रविशय आपो भवंतु कीटये। अच्छा भैया मैं अब चलूंगा। क्यों इतनी जल्दी? कल इम्तिहान है, वरना भाभी को देखे बिना कैसे जा सकता था। हो सके थोड़ी देर और ठहर जाओ। अच्छी बात है। अब टाइम नहीं है, मैं और नहीं ठहर सकूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। अच्छा किशन, भगवान करे तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हो। सुनो, इम्तिहान खत्म होते ही फौरन यहां चले आना। अरे भाई किशन कहां चले? बॉम्बे का प्लेन पकड़ना है। अरे भाई इतने भी क्या जल्दी, तेरा भाभी को तो देखते जाओ। यार आया तो इसीलिए था, लेकिन वक्त नहीं, देर हो गई। अरे थोड़ी देर और ठहरो, अभी आती होंगे। अच्छा यार अब टाइम बिल्कुल नहीं। अरे भाई जहां इतना इंतजार किया है, एक मिनट और सही। तुमने तो शायद मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने सेठ जी घर में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। तस्वीर तो खैर तस्वीर ही थी, और तुम क्या बताओ, तुम तो रानी मेरे दिल की, मेरे घर की। अच्छा नाम तो बताओ अपना। जानता तो मैं भी हूं, लेकिन एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। राधा। राधा कितना अच्छा नाम है, लेकिन अगर मैं तुम्हें रानी कहूं तो बात यह है कि माता ये चाहती थी कि उनकी छोटी बहू का नाम राधा। वो तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी आशा मेरे दिल में रह गई। अब छोटे की शादी भी जल्दी कर देंगे, बड़ा ही होनहार लड़का है, हमेशा इम्तिहान में फर्स्ट आता है। ऐसा भाई किसी किसी को मिलता है, तुम उसे देखोगे तो खुश हो जाओ। ठहरो उसकी तस्वीर तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो हम दोनों भाइयों के बचपन की तस्वीर। मैं कितना अजीब सा लग रहा हूं, और ये कितना प्यारा मालूम हो रहा है। और ये है किशन का हाल ही का फोटो। रानी, रानी क्या बोल रानी, रानी क्या बात है?
रानी होश में आओ रानी, क्या हो रानी? मिल गया मेरी जान किशन, मिल गया प्यारे। अबे कौन मिल गया? अरे शीला का पता मिल गया प्यारे। ए, हाँ। अरे अपने बाप के साथ असम के जंगलों में है। असम के जंगलों? हाँ यार, उसका बाप बहुत बड़ा शिकारी है ना, हमेशा नया नया जानवर ढूंढता है। रवेश, हाँ। तुमसे मुलाकात नहीं हुई? अभी कहाँ हुई? क्या कह रहे, मैं जानवर हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन मुलाकात यार होनी चाहिए ना, तुम्हारे होने वाले ससुर जो हुए। ससुर? कुछ कहते इसलिए तो प्यारे मैं सीधा उधर ही जा रहा हूँ, जाट उनसे मिलूंगा और पट शादी करूंगा। क्या ख्याल है? शादी मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब जागे सामने से। क्यों जी? ये क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? महाबलेश्वर जा रहा हूँ। महाबलेश्वर? राधा से मिलने जा रहे हो? अरे हाँ, कल राधा का जन्मदिन है ना। अच्छा अच्छा, तो क्या तोहफा दे रहे हो उसको? वो तोहफा दे रहा हूँ जो देखे फड़की खा जाए। ऐसी बात है, जरा हमको भी तो दर्शन कराइए। आइए इधर आइए। इधर इसमें हाथ हटाओ, आंखें बंद करो। आंखें भी बंद? शाबाश, अब देखो। अरे राधा किशन। हाँ राधा किशन। राधा किशन, एक बात तुम कह रहे, कमाल सोची है तुमने। राधा भी इस तोहफे को देखेगी ना, एकदम ही तो खुशी से पागल हो जाएगी। राधा किशन, क्या आइडिया लगाया, आखिर तू मेरा यार है ना। यार हाथ हटा के बात करो। नमस्ते जी। क्या है जी? वो मुझे राधा से मिलना है। चलना है? कहाँ चलना है जी? चलना नहीं, मिलना है राधा से। राधा से? पर राधा यहाँ कहाँ, उसकी तो शादी हो गई। हाँ, बड़ा नेक वर मिला है, बड़ा ही सुशील, बहुत अच्छे। राधा की शादी हो गई, 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 राधा की शादी, राधा की शादी, राधा की शादी, राधा की शादी हो गई, राधा की शादी हो गई, राधा की शादी हो गई। रानी, किशन का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मुझे फौरन जाना होगा। सुनो, तुम अपने पिताजी के यहाँ चली जाना। रामू, कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जब तक होश ना आए कुछ नहीं कहा जा सकता।
अभी तक कोई खबर नहीं आई बेटा। हेलो जी जी, बहुत अच्छा। बीबी जी, छोटे सरकार का फोन आया है, आपको फौरन बुलाया है, वो अपने भाई को लेकर आ गए। गई नानी, आओ। रुक क्यों गई? ये तो अपना किशन है, तुम्हारा देवर। भाभी, मेरे पास है ये भाभी, मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। आप भी क्या कहेंगे, एक ही देवर मिला और वो भी अंधा। रानी, या कुछ नहीं किशन, तुम्हारी भाभी बेहोश हो गई। बेहोश? भाभी तुम मत उठो किशन, इन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। खुश ना रानी, खुश ना रानी, खुश ना। रानी, तबीयत कैसी? अभी तक सोई नहीं? किशन सो गए। उसका अब सोना क्या और जागना क्या? कितने अरमान थे, कितनी आशाएं थी, क्या सोचा था और क्या हो गया? ये सब हुआ कैसे? सब किस्मत के खेल है रानी, एक लड़की ने उसे इस हाल पर पहुंचा दिया। वो किशन की आंखों में समा गई, और जब गई तो आंखें भी लेती गई। मैं पूछता हूं, अगर उसे जाना ही था तो आई क्यों थी, और अगर आई थी तो चली क्यों गई? क्या मिल गया उसे किशन की जिंदगी के साथ खेलकर? रानी, जिस औरत को हम देवी कहते हैं, क्या वो इतनी बेवफा, इतनी बेरहम हो सकती है? रानी, तुम ही बताओ, तुम भी तो औरत हो। अरे
तुम तो रोने लगी। किशन की कहानी ही ऐसी है जिसे सुनकर आप ही आप दिल भर आता है। खैर अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। चलो अब सो जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक है। किशन लो दूध पी। लाओ भैया, मैं अपने हाथ से पी लेता हूं। लो। बस भैया। नहीं थोड़ा सा और पी। नहीं भैया बस। अच्छा किशन मैं ऑफिस जा रहा हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी से मांग ले। अच्छा भैया। रानी रानी किशन का जरा ख्याल रखना, इसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। कितने अच्छे हैं ये, अपने भाई से कितना प्यार करते हैं। लेकिन अगर इन्हें मालूम हो गया कि मैं ही इनकी दुनिया का अंधेरा हूं, मैं ही वो बदनसीब हूं जिसकी मोहब्बत ने किशन की आंखों के दिए बुझा दिए, तो क्या ये मुझसे नफरत ना करने लगेंगे? क्या मैंने अपना मुंह दिखा सकूंगी? नहीं नहीं, फिर क्यों ना मैं इन्हें सब कुछ बता दूं, इन्हें सब कुछ बता दूं। हाँ मुझे ही कह देना चाहिए, मुझे खुद ही कह देना चाहिए। सुनिए सुनिए, देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात? कहो ना। बोलो ना क्या बात। आप शाम को जरा जल्दी आइएगा। बस इतनी सी बात थी? अच्छा जल्दी आ जाओ। कैसे हाल दिल का।
पता है कि बेखता है हूँ, ये पता है कि बेखता है हूँ, फिर भी तो हमत है बेवफा है हम, हमसे किस्मत ने बेवफाई की, ये हकीकत बताए तो कैसे हाल दिल का। बस्ती उजड़ तो जाती है, बात बनकर बिगड़ तो जाती है, जब मुकद्दर ने साथ छोड़ दिया फिर ये बिगड़ी बनाए तो कैसे भाभी। आप चुप चुप सी क्यों रहती हैं? ठीक ही तो है, अंधे से बात करने का फायदा भी क्या है। किसी ने कहा है, अंधे के आगे रोए और अपने नैना खोए। लेकिन भाभी, मेरी आंखों ने जिंदगी में जो कुछ देखा और खो दिया, मैं उसे किसके सामने दोहराऊं? सीने में जो तूफान उठता है उसे कैसे दबाऊं? अच्छा, एक बात का जवाब जरूर दीजिए, उस लड़की ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी या मजबूर थी, तो उसने मुझे बता क्यों नहीं दिया? क्या औरत हंसते हंसते किसी की भी जिंदगी से इस तरह खेल सकती है? भाभी, अगर उसे मालूम होता कि उसकी शादी होते ही मंदा हो जाऊंगा, तो क्या तब भी वैसा ही करती? देखने में बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जालिम होगी। अच्छा ही हुआ जो मेरी आंखें चली गईं, कम से कम उस बेरहम की सूरत तो न देख सकूंगा। अरे, आप रोने लगी? माफ करना भाभी, अनजाने में न जाने में आपसे क्या कुछ कह गया। अब कभी आपको अपने टूटे हुए दिल की कहानी नहीं सुनाऊंगा। मेरी बातों से जो आपको दुख हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं भी क्या करूं भाभी, मजबूर हूं ना। आग जलती हुई मालूम होती है, धुआं फैलता हुआ दिखाई नहीं देता। किशन भैया, आप आ गए। किससे बातें कर रहे थे? बेचारी भाभी के सिवा मुझे अंधे का दुखड़ा और कौन सुनेगा भैया? लेकिन यहां तो कोई भी नहीं। कोई नहीं, हो सकता है कहीं चली गई। कभी नहीं हो सकता। मेरा भाई अकेला बैठा दीवारों से बातें करे और घर के आदमी कान दबाकर बचते फिरे। भैया, रानी कहां गई थी तुम? मैंने तुमसे कहा नहीं था किशन को अकेला मत छोड़ना। भैया, आपको मेरी कसम जो आपने भाभी को कुछ भी कहा। देखा कितना ख्याल है इसे तुम्हारा, और तुम हो किसके पास बैठने तक गवारा नहीं। भैया, अच्छा अच्छा, अब कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन किशन, अगर हमारे होते हुए तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ हो तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। भैया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, सच कोई तकलीफ नहीं। किशन, किशन,
रानी रानी रानी, हमारा किशन फिर फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। किशन किशन, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम फिर फर्स्ट आए हो। फर्स्ट? हाँ मिट गया जब मिटने वाला, फिर पैगाम आया तो क्या किशन। खैर भैया, आपको मुबारक हो, आपकी आरजू पूरी हो गई। मेरी आरजू? मेरी आरजू तो तुम्हारी आंखों की रोशनी के साथ ही जाती रही। लेकिन किशन, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अपनी आंखें स्पेशलिस्ट को दिखानी पड़ेंगी। भैया भैया, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं, मुझे आंखें नहीं चाहिए मुझे। क्यों किशन, क्यों आखिर क्यों? क्या आप चाहते हैं कि मैं दुनिया की बेवफाई का फिर से नजारा करूं? वही लड़की कभी ना कभी मेरी नजरों के सामने आए और जिंदगी में फिर से अंधेरा फैलाकर चली जाए। लेकिन यह भी तो हो सकता किशन, क्यों लड़की खुद अंधेरे में हो, मां बाप के कहने से मजबूर हो गई हो। कैसे हो सकता है भैया, उसने मुझे खुद बताया था कि उसके पिता जिसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते किशन? एक खोई हुई लड़की का ख्याल कब तक तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा बना रहेगा? कब तक मैं तुम्हें ठोकरे खाते देखता रहूंगा? नहीं किशन नहीं, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम्हारी आंखें वापस लानी होगी किशन। भैया आप मेरी आंखें मुझे वापस दिला देंगे, मगर मेरी जिंदगी की तमाम लुटी हुई पूंजी मुझे कहां से वापस मिलेगी? भैया जो दुनिया मैंने देखी थी उसमें मोहब्बत थी, प्रेम था, सच्चाई थी, आशा थी। क्या आप मुझे यकीन दिला सकते हैं कि मेरा ये सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा? मैं फिर से वही दुनिया देखने लगूंगा किशन। नहीं भैया, अब इस दुनिया में मोहब्बत की जगह नफरत है, आशा की जगह निराशा है, रोशनी की जगह अंधेरा है। भैया मेरी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। उस दुनिया को फिर से बदलना होगा किशन। मुझे बताओ वो लड़की कौन है, कहां रहती है, क्या नाम है उसका? नाम? उसका नाम क्या बताऊं? एक दाग है जो मिटाए नहीं मिटता, एक सूरज है जिसे ग्रहण लग गया। कितनी रोशनी थी और कितना अंधेरा हो गया। हो गए दो रोज में आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना है यही आए नमकी याद भी। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए? वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए? वफा दिन से की जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे,
जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, वही आज हम से जुदा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। वो इतना बता दे कभी पास आके मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के, वो इतना बता दे कभी पास आके मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के, खता क्या थी जो वो खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। मेरे सामने भी अगर अब वो आए न देखेंगी उनको ये बेबस निगाहें, मेरे सामने भी अगर अब वो आए न देखेंगी उनको ये बेबस निगाहें, वो जिनके लिए हम फना हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे। किशन, राधा, राधा, कौन है, कौन है? तुम्हारी भाभी। भाभी? हाँ। भाभी, एक बार फिर उसी तरह किशन कहकर पुकारी, आपकी आवाज में खोई हुई आवाज की झलक है जो मेरे जीवन में मधुर संगीत बनकर आई और जाते जाते जिंदगी के सभी तार तोड़ कर चली। उसने खुद ही चिराग जलाया था और खुद ही अंधेरा कर दिया, लेकिन नहीं, उस आवाज का प्यार बनावटी था, उसमें धोखा था, फरेब था, वो एक झूठे सपनों की आवाज थी। आपकी आवाज में हमदर्दी है, पवित्रता है, ममता है, भला भला आपका उसकी आवाज से क्या मुकाबला? भाभी, भाभी, यही हूं मैं। अरे आप कितनी नजदीक है, मैं कितना दूर समझ रहा हूं। ये शोर कैसा है? तूफान है। तूफान, न जाने कब से है ये तूफान कभी खत्म भी होगा?
आप क्या कर रही हैं भाभी? तुम्हारे कुर्ते में बटन टांग रही हैं। कितनी अजीब बात है, जिसकी सेवा मुझे करनी चाहिए थी उसको मेरी सेवा करनी पड़ रही है। एक सिगरेट दीजिए भाभी। सिगरेट? हाँ भाभी, जलने वाला ही जलने वाले का साथी होता है। तुम सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दी थी भाभी, लेकिन जिसके लिए छोड़ी थी वही साथ छोड़कर चली गई। कुछ भी हो, सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, तुम मत पिया करो। आप कहती हैं तो ऐसा ही सही। एक दफा राधा के कहने पे छोड़ी थी, आज आपके कहने पे छोड़ देती। लीजिए, आप इसे फेंक दीजिए। भाभी, औरत भी एक अजीब पहेली है, कभी कभी तो इसे समझना ही मुश्किल हो जाता है। आपको राधा को ही लीजिए, आप दोनों की आवाजें कितनी मिलती हैं। हो सकता है सूरतें भी मिलती हैं, मगर आप में और राधा में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी वजह से भैया का जीवन स्वर्ग बन गया, और राधा की वजह से मेरी जिंदगी नरक बनकर रह गई। अच्छा भाभी, एक बात तो बताइए, क्या उसे मेरा ख्याल कभी ना आता होगा? मेरी नादानी पे हंसती तो जरूर होगी वो। खैर, मेरे दिल से तो हमेशा उसके लिए दुआएं निकलती हैं, वो जहां भी रहे सुखी रहे, दुखों की छाया भी उस तक न पहुंचे। भगवान करे उसके सारे दुख मुझे मिल जाए। सदा खुश रहे तू जफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू जफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू। सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते, मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते। सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते, मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते। मगर क्या दिखाए तुम्हें दिल के छाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू। Thank you.
और भी हो तो वो भी किए जा। सितम और भी हो तो वो भी किए जा। हो कुछ और भी गम तो वो भी दिए जा। नहीं फिर भी तुझसे गिला करने वाले दुआ कर रहे हैं, दुआ करने वाले सदा खुश रहे तू। जफा करने वाले दुआ कर रहे हैं, दुआ करने वाले सदा खुश रहे तू। ओ नारा, क्या मजाक है जी? अभी मारा भी नहीं, तुम कहते हो वो मारा? जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? किसकी? एक शिकारी आया है, जो शक्ल से शिकारी, आँख से शिकारी, कान से शिकारी, नाक से शिकारी और मुंह से भी शिकारी नजर आता है। चाहता क्या है? आपके दर्शन, आपके शिकार की तारीफ सुन सुन के वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो गया है। दुनिया भर के जंगलों की खाक छानता हुआ आज वो यहाँ पहुँचा है। कहिए तो बुला लाऊं? बुला लो, जो आ गया। अजी भाई साहब, आप भी किस बेवकूफ की बातों में आ रहे हैं? मैंने तो आपसे ज्यादा पक्का शिकारी दुनिया में आज तक देखा ही नहीं। आने दो उसे, आजमाए लेते हैं। आइए 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 साहब, आइए आइए आइए। चाचा जी यही है वो। इतना शुभ दिन है आज, शिकारी के सामने शिकारी, आईने के सामने आईना। यूज करे। बड़ी खुशी हुआ आपसे मिलकर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका नाम? आओ, मेरा नाम खुशक किंगकॉन्ग का छोटा भाई। किंगकॉन्ग का बड़ा भाई? नो 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 नेवर, खुशकॉन्ग अलोन अलोन खुशकॉन्ग। ऐसा है? फर्स्ट क्लास है। हाँ तो मिस्टर खुशकॉन्ग। यस। आपको शिकार का शौक कब से हुआ? कब से? तब से हम फायदा हुआ, यू नो, हमारा होल फैमिली शिकारी है। हमारा फादर इसी शौक का शिकार हुआ, हमारा ग्रैंडफादर अपना गोली से आप मर गया, और हमारा मम्मी जब गोली चलाया। तो ठीक है मिस्टर खुशकॉन्ग, धन्यवाद। लेकिन एक बात आप मेरी सुनेंगे? यस बोलो। आपने दुनिया में बड़ा बड़ा शिकारी देखा होगा। यस। लेकिन जो निशाना मेरे चाचा जी का है ना, वैसा निशाना किसी का नहीं होगा। जो चाचा? यस। यू मीन दिस? यस। हम नहीं मानता। क्या मतलब? मतलब जब तक देखेगा नहीं तो कैसा मानेंगे? कैसा? चलो हमारे साथ, हम अभी दिखाते हैं। वो पेड़ देखते हो? नहीं। उसके ऊपर वो फल देखते हो? यस। अब देखते हो? यस। नो। वाह भाई साहब वाह, कमाल कर दिया आपने। क्यों मिस्टर पुष्पांग, देखा, इसको कहते हैं निशाना। व्हाट? दिस इज निशाना? ऐसा निशाना तो हर कोई लगा सकता है। क्या? तो फिर लगाओ ना। हम ऐसा निशाना नहीं लगाता है, दिस इज चाइल्डिश गेम, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल? यू मीन लाइक दिस? यस यस, लाइक दिस, बच्चों का खेल। यू सी, निशाना वो जिसमें लाइफ का खतरा हो, लाइफ का डेंजर हो। निशाना वो जो आंख बंद करके मुंह फेर के लगाया जाए। यू सी, इधर निशाना छुका, इधर जान निकल गया। अंडरस्टैंड? क्या मतलब? मतलब ये, व्हाट इज दिस? मौसमी। मौसमी? यू सी, इसको आपके, नो आपके, इसको आपके, नो नो नो, इसके सर पर रखकर आंख बंद करके मुंह फेर कर इसको दूर से निशाना लगाया जाए तो इसके, दिस इज द रियल निशाना, अंडरस्टैंड? गोली मौसमी की जगह सर में लग गई तो? आप ऐसा बात करता है, हमारा निशाना का इंसल्ट करता है। चाचा जी, पिताजी मुझे बचाइए। जाता है। अजी ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा इकलौता बेटा है, आप उसको मारना चाहते हैं? हम उसको मारना चाहता है, हम इसको मारेगा, क्या हमको फांसी नहीं होगा? मिस्टर सिंह, जिसके घर में ऐसा डरपोक आदमी है वो क्या शिकारी होगा? अभिमान सिंह,
खुशकांग ने हमारी इज्जत को ललकारा है, ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुशकांग लगाइए निशाना। वेरी गुड। चाचा जी बच गए। मेरी जान चली जाएगी। सीधा खड़ा रहे, सीधा हिलना नहीं। सीधा हट पीछे। ओके। मिस्टर सिंह, आप वन बोलेगा हम मुंह घुमाएगा, आप टू बोलेगा हम आंख बंद करेगा, आप थ्री बोलेगा हम निशाना लगाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। नाउ यू स्टार्ट। रेडी? रेडी। वन टू थ्री। देखो कमाल है, ना हमने ऐसा निशाना देखा, ना निशानेबाज देखा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमारे घरे मिल जाओ। गलो। आई एम सॉरी। तुम कुछ कहते? रुक जाने से गोली मार दूंगा। नहीं पिताजी नहीं, इससे पहले मुझे गोली मार दीजिए, मैं अपने जीते जी इन पर गोली नहीं चलने दूंगी। शीला हट जाओ। नहीं डैडी। हट जाओ शीला, हट जाओ। आप मुझे गोली मारना चाहते हैं ना, मारिए गोली, लेकिन मारने से पहले इतना बताइए कि मेरा कसूर क्या है। यही कि मैं शीला को चाहता हूँ, शीला मुझे चाहती है। अगर मैं चाहता तो आपकी मर्जी के बगैर शीला को कोर्ट में ले जाकर उससे शादी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि आपकी शान में फर्क आए, आपकी इज्जत को बट्टा लगे। अगर आपकी नजर में ये मेरा कसूर है, ये मेरी गलती है, तो मारिए गोली। देखते क्या है, मारिए गोली। नहीं, जो आदमी गोली से नहीं डरता उस पर गोली नहीं चलती। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम ठीक कह रहे हैं, ये हमारी आरजू थी कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करेंगे जो बहादुर हो, शिकारी हो, जिसे इज्जत प्यारी हो, और आज हमें वो आदमी मिल गया है। पंडित को बुलाओ, शादी अभी होगी। भाई साहब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्या कहा तुम्हें? हमारे हुक्म से इनकार है? सबसे पहले तुम्ही को गोली मारूंगा। अरे भाई साहब। तुम्हारी वजह से आज हमारी शादी हो जाएगी। थैंक यू, कमाल कर दिया तुमने। जी मैंने क्या कमाल किया, सारा कमाल तो इस काले धागे का है। रानी, किशन के लिए आसाम से खत आया, रमेश ने भेजा। रमेश को तुम नहीं जानती, किशन का बहुत गहरा दोस्त है। शीला नाम की एक लड़की से उसकी मोहब्बत थी, अब उनकी शादी हो गई। लिखता है हमारी मोहब्बत कामयाब हो गई। किशन बेचारा खुद तो पढ़ नहीं सकता, ये खत तुम उसको पढ़कर सुना देना। नहीं नहीं रहने दो, गुजरे हुए जमाने की परछाइयों से उसे दूरी रखना चाहिए, हर याद आने वाली बात उसे रुला देती है। न जाने इस शादी की खबर को सुनकर उसकी आंखों में कितने आंसू आ जाएं, जब दुनिया की किसी भी खुशी में उसका कोई हिस्सा नहीं, तो फिर उसे रुलाने से क्या फायदा। डायरी भी राधा की निशानी है। भाभी ये लीजिए, ये डायरी भी उसी अटैच में रख दीजिए।
अब मैं उस लड़की की कोई चीज अपने पास नहीं रखूंगा। बैठी क्या कर रही हो? ओ, किशन की फोटो लो। मैं कितनी अच्छी तस्वीर, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद किशन ने हाल ही में खिंचवाई होगी। ओ, किशन और रमेश। रानी, ये रमेश वही है जिसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। नहायत पुरमजाक और दिलचस्प आदमी, लेकिन बहुत दिन से देखा नहीं। हेलो, हाँ किशन बोल रहा हूँ। क्या बात? फॉर्म बुलाया? लेकिन अभी तो मोनी के पास से आ रहा हूँ। पूछो अगर थोड़ी देर बाद आऊँ तो। अच्छा, उनसे कह दो मैं अभी आता हूँ। हाँ रानी, सेठ जी ने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया है। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम किशन को खाना खिला देना और तुम भी खा लेना। अरे इन्हें मैं कहाँ लिए जा रहा हूं, ये लो। नमस्ते सेठ जी। भीषण, ये डॉक्टर कूपर का खत आया है। उनका ख्याल है कि किशन का केस ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकता है। लेकिन सेठ जी, किशन को कैसे समझाऊं? जब भी मैं ये जिक्र उठाता हूं वो यही कहता है, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे आंखें नहीं चाहिए। डर है कि ज्यादा जोर देने पर कहीं घर छोड़कर ना चला जाए। लेकिन ये तो ठीक नहीं बिशन, भला अंधे आदमी की भी कोई जिंदगी? अब आपको कैसे बताऊं, जब वो लाठी का सहारा लेकर चलता है और ठोकरें खाता फिरता है, उस वक्त मेरे दिल पर जो गुजरती है वो मैं ही जानता हूं। मैं क्या करूं सेठ जी, कुछ तो बताइए। मेरे ख्याल में अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो राधा से कहलवाओ, शायद उसी का कहना मान जाए। ठीक है, मैं आज ही राधा से कहता हूं। अच्छा, तुम उसे समझाओ रानी। हाँ तुम, वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकता। रानी, उस बुझे हुए चिराग को तुम्हें जला सकती है, तुम्हें उसे रोशनी दे सकती है। रानी, अगर किशन की आंखें वापस आ गई तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तुम उसे समझाओ रानी, उसे मजबूर करो रानी, उसे मजबूर करो। उससे कहो कि अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए वो अपनी आंखों का इलाज करा ले। जाओ रानी, जाओ, देर न करो।
भाभी। तुमसे कुछ कहने आई हूँ। यही ना कि आंखें ठीक कराने से मैं इनकार क्यों करता हूँ? जानती हूँ मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। ऐसा क्यों कहती हैं आप? अधिकार होता तो पूछती, जो गुजर चुकी उसका गम कब तक करोगे? जो हो चुका उसे याद करके कब तक तड़पते रहोगे? कब तक रोते रहोगे, रुलाते रहोगे? भाभी। हाँ किशन, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे गम में तुम्हारे भैया पर क्या गुजर रही है? वो तुम्हारी हर बात मानते आए हैं, तुम उनकी एक बात नहीं मानोगे? क्या तुम्हारे दिल में उनको देखने की इच्छा भी नहीं होती? भाभी, भैया को देखने के लिए भी मुझे आंखों की जरूरत है। उनकी सूरत तो मेरी आंखों में बसी हुई है। आखिरी बार उन्हें सेहरा पहने हुए देखा था। अगर आपको भी उसी वक्त देख लेता तो कितना अच्छा होता। अब तो मुझे देखना नहीं चाहते। आपको? हाँ, आपको जरूर देखना चाहता हूँ। सोचता हूँ मुझे एक पल के लिए आंखें मिल जाएं और आपको देख लूं। बस किशन, बस किशन, तुम्हें अपनी भाभी को देखने के लिए आंखें ठीक करानी है। लेकिन भैया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा किशन। रानी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुमने किशन को राजी करके आज मुझे एक नया जीवन दिया। आज मैं कितना खुश हूँ रानी, मैं कितना खुश हूँ। किशन आंखें ठीक कराएगा, वो तुम्हें देखेगा रानी। रानी, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा रानी, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा किशन। आज मैं तुम्हें अपने जीवन का एक ऐसा भेद बताती हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। रमेश, गजब हो गया। क्या हुआ? ये देखो। खुलते ही मैं उसके सामने होंगी तो किशन की क्या हालत होगी? और मेरे पति जब उन्हें मालूम होगा तो आज मुझे उनसे कह ही देना चाहिए। हाँ, मैं कह देती हूँ। रानी, कैसा शुभ दिन है आज, इस दिन का कितना इंतजार था। अभी डॉक्टर आएगा, किशन की पट्टी खुल जाएगी, उसकी खोई हुई रोशनी वापस आ जाएगी, वो देख सकेगा मुझे, तुम्हें, अपनी भाभी को। वो तुम्हें देखने के लिए कितना बेचैन था। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात? साहब, डॉक्टर साहब आ गए। अगर आप समझे, मैं भी आता हूँ। रानी, रानी, चलो रानी। डॉक्टर साहब। यस। भैया कहाँ है? मैं तुम्हारे पास ही हूँ किशन। भैया, भाभी भी आई है। हाँ, तुम्हारी भाभी भी आई। भाभी, आज मेरी आरजू पूरी होगी।
मैं आपको देख सकूंगा। डॉक्टर साहब मेरी पट्टी जल्द खोल दीजिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब भैया आप मेरे पास ही रहिएगा, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। आंखें खोलिए, धीरे धीरे। कर्टन मैं आपको देख सकता हूं, देख सकता हूं आपके जी। कांग्रेचुलेशन किशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर। मैं किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं? नर्स भाभी कहां है? वो रही। तुम भाभी नहीं हो सकते, तुम भाभी नहीं हो। बोलो राधा, बोलो, तुम भाभी नहीं हो राधा, बोलो। उफ, ये मैं क्या देख, इससे तो अच्छा था मैं नहीं रहता। कम से कम तुम्हारी बेवफाई का नजारा तो कर। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आंखें खुलते ही मेरे सामने वो सूरत होगी जिसने मेरी जिंदगी मिटा दी। क्या यही तमाशा दिखाने के लिए तुमने मेरी आंखें ठीक करवाई थी? क्या पहले जख्म कम थे जिसे नस्तर और लगाया? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? मैं राधा की बेवफाई की दास्तान तुमसे कहता था, तुमसे, और तुम मुझ पर मन ही मन में हंसती थी। मैंने तुम्हें देवी की तरह पूजा, अगर तुम पत्थर की पत्थर। तुम्हारे वादों में धोखा है, तुम्हारी आवाज में धोखा है, तुम्हारी हर बात में धोखा है, तुम खुद एक धोखा।
विष्णु भैया, सुना किशन की आंखें ठीक हो गई, उसकी पट्टी खुल गई। हाँ, और मेरी आंखों के पर्दे भी हट गए। पर्दे हट गए? समझा भैया, पर्दे हटे नहीं, पर्दे पड़ गए। इस खत को पढ़िए, सारे इसलिए तो आपको जाहिर हो जाए। किशन कहाँ? भैया मैं पूछता हूँ, किशन कहाँ? किशन, तुमने राधा को गलत समझा। किशन, वो किसी की जिंदगी से नहीं खेली, तकदीर ने उस गरीब के साथ अजब खेल खेला। किशन, तुम उसकी मजबूरी नहीं समझते। किशन, ब्याह के वक्त तक वो यही समझती रही कि उसकी शादी तुमसे हो रही है। किस्मत के आगे आज तक किसी का बस चला। किशन, तुम अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी आंखें चली जाएंगी? उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया किशन, उसने किसी को धोखा नहीं दिया। भगवान किसी को ऐसा बदनसीब न बनाए कि दुनिया उसके त्याग को धोखा और कुर्बानी को बेवफाई समझे। काश तुम्हें उसके दिल की हालत मालूम होती, काश तुम उसका दुख जान सके। अब भगवान, राधा कहाँ है? ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।